और अगर वो कोई बात कहने की कोशिश भी करते हैं तो मैं सिद्ध कहूँ कि हम हमें मत कहो वहाँ कौन नगर आयुक्त है, तो तुम्हारा अधिकार है, हमका अधिकार नहीं। तो इसमें मेरी बात में अगर कोई आप लोगों को या अध्यक्ष जी ने जो बात कही है एक ही बात है जो उन्होंने कहा वही मैंने कहा इसकी कि भाई आज भी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया या काम किया अपना, और आज भी जो जो करेगी जो जो हम लोग तय कर लेंगे कि भाई हमें ऐसे करना है वो रोज का रोज अखबार प्रशासन में भी जाएगा, नगर निगम कर्मचारी जो हमारा संघ है उसके पैड पे, जिससे कि शासन प्रशासन को भी ये पता रहना चाहिए कि उनके यहाँ पे लगातार विरोध चल रहा है, विरोध खत्म नहीं किया गया है, सिर्फ उच्च अधिकारियों में डीएम साहब हैं या मैडम हैं उनका कहना मानते हैं काम पे लौटे कर्मचारी, पर विरोध अभी भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक उड़की, मैं हूं दीपक अरोड़ा। आपको हम बता दें कि मेयर गौरव गोयल की द्वारा 15 अगस्त पर जब मेयर गौरव गोयल द्वारा कर्मचारियों को सर्टिफिकेट दिया गया था तभी लेखाकार को उन्होंने अभद्रता की गई थी, ऐसा आरोप लगाया गया था यहाँ के लेखाकार हैं उनके द्वारा, और दूसरे दिन आज हड़ताल हो गया उनके चलते हुए, और आज वे डीएम साहब से मिले थे और आज भी उन्होंने क्या कार्य बहिष्कार रखा है और क्या कहना चाहते हैं हमारे से, आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे। ऐसा है जी, हमें हम यहाँ से SDM कोर्ट गए, हमें DM साहब ने 10 मिनट का टाइम दिया और उन्होंने हमें ये कहा है, कहने लगे आप जो मुझे लेटर दे रहे इसको जो मैं शासन में ऊपर भिजवाऊंगा और इसकी जांच कराऊंगा, और मेरे कहने के अनुसार ये जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है इसे समाप्त कर दो और जो है आप अपना विरोध प्रदर्शन करते रहो, कुछ ही करो, पब्लिक को परेशानी ना हो, बिल भेजते रहेंगे कटते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत ना हो किसी पब्लिक वाले को कि भाई नगर निगम बंद है। अध्यक्ष जी एक जानकारी, यानी कि जो आपकी हड़ताल चल रही थी गौरव गोयल जी को लेकर माफ़ी मांगने को लेकर, तो अब आप वापस सभी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं? SIGM सभी कर्मचारी DM साहब के आश्वासन पर काम पर लौट आए हैं। यानी DM साहब ने कहा कि काम करो काम करो, और उन्होंने ये कहा है, कहने लगे आप अपना कुछ भी प्रदर्शन करो मगर अपना काम करते रहो। जो मुख्य नगर आयुक्त हैं यहाँ की नूपुर वर्मा जी, उनसे भी आपकी क्या वार्तालाप, उन्होंने क्या बोला आपको? वो भी वहीं थी मौजूद जी। जब DM साहब से हमारी वार्ता हो रही, उन्होंने DM साहब ने उन्हें कहा, कहने लगे जो भी कुछ है अधिकार आपके पास है, आप इन्हें कर्मचारियों को समझाओ, इनसे काम लो और जो है सारा काम सुचारू रूप से चलवाओ, और जो कोई दिक्कत परेशानी आवे तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बताओ। नहीं, DM साहब ने तो अब आपकी जो मेयर साहब से जो मांग कर रहे थे कि हम उनके जो काम नहीं, मेयर से हमारा कोई मतलब नहीं, मेयर से हमें कोई बात ही नहीं करनी, अगर मेयर हमें कोई बात कहेंगे तो हम उन्हें की मानने के ही नहीं। यानी कि आप मेयर साहब की कोई बात नहीं मानोगे? कोई नहीं मानने के। कर्मचारियों ने साफ तौर पर ऐलान करा है कि मेयर गौरव गोयल की किसी भी बात को वो नहीं मानेंगे, हमारे साथ जो लेखाकार अधिकारी हैं काली पट्टी बांध के हम विरोध करेंगे जी, रोज जी। काली पट्टी बांध कर विरोध होगा, कब तक होगा सर? सुबह से, जब तक ये हमारा संगठन वो नहीं करेगा, और सुबह शाम जो है हम नारेबाजी भी करेंगे, सुबह शाम नारेबाजी भी होगी। और भी हमारे साथ हैं जो अकाउंटेंट साहब हैं जिनके साथ अभद्रता की गई थी, सर आप क्या कहना चाहेंगे? कल तो आप थोड़ा सा भावुक हो चुके थे, आज क्या कहना चाहेंगे? जैसा भी अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये कहा है कि आप नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कार्य करें, और आगामी जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार काम करें। अब आपसे मिलने, आप मिलने की कोशिश करी है क्या मेयर साहब ने अभी तक? मेयर साहब ने अभी 15 अगस्त को ही रात्रि के टाइम पे मेरे घर पर आए थे, जिसमें एक वाहन में जो नगर निगम की वाहन उनको उपलब्ध कराई गई है उसमें कुछ लोग बैठे थे, एक बुलेट में दो लोग भी थे, मैं तो नहीं था क्योंकि उस दिन मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था तो मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा था। तब उन्होंने मेरे किराएदार से भी बात करी कि आओ मेरे से बात करो, जिससे मुझे ये भय हो गया है कि अब ये अपनी जानमाल का भय हो गया है उनसे। नहीं तो किस तरह के क्या क्या मेयर साहब किस तरह के लोग लाए थे अपने साथ? अब ये तो मैंने नहीं देखे कौन कौन थे, लेकिन वीडियो में है जो उन, क्योंकि मैं तो था नहीं उस टाइम ना मेरा परिवार था। तो किस लिए आए थे, कुछ पता चला था? ये कुछ नहीं पता चला। चलिए, अब मुझे उनसे ये भय हो गया है कि अब ये किसी राजक तत्व को तो नहीं लाए, क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि अभी कुछ पार्षदों के साथ भी को भी मारने पीटने के लिए उन्होंने इस तरह बुलवाए थे। वो तो चल रहा था कि कुछ गुंडे वुंडे लेके गए थे इस तरह, तो मुझे उसी तरह का भय है
चलिए, इनको भी इस तरह से भय नजर आ रहा है जिस तरह से मेयर गौरव गोयल के ऊपर पार्षद ने आरोप लगाए थे गुंडों के। तो हमारे साथ कईयों जो सम्मान दिया गया है जिलाधिकारी के महोदय का सम्मान रखते हुए मैं वो उसको वापस कर रहा हूँ, और हमारे जितने भी कर्मचारी को मिला है वो भी इसको वापस कर रहे हैं। कर्मचारी भी के साथ ये अपना सम्मान पूरा वापस करना चाह रहे हैं जो 15 अगस्त को दिया गया था। कईयों जी हैं हमारे साथ मुख्य यहाँ के जो बाबू हैं नगर निगम, उनसे बात करेंगे सर क्या कहेंगे। इसमें कहने को तो कुछ रहा ही नहीं, और हम लोग कल से जो है इस विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो हमारा कर्मचारियों की पीड़ा कोई नहीं समझता, ना कर्मचारियों का कोई सुध लेने वाला है। तो आज जब हमारे ज़िले के मुख्य जो हैं जिलाधिकारी महोदय, हम उनके पास गए थे अपनी पीड़ा को लेके, तो वहाँ हमारी नगर आयुक्त महोदय भी थी, तो हमने उनसे अपनी पीड़ा बताई तो उन्होंने उनका संज्ञान लिया। जब हमने बताया कि भाई हमारे कर्मचारी के साथ ऐसे किया गया, तो उन्होंने भी उसका रिएक्शन बड़ा मतलब दिया, जो उन्होंने अपना रिएक्शन वो भी हमारे फेवर में था कि भाई उन्हें भी ये बात बहुत बुरी लगी कि किसी कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। तो पर उन्होंने जब हम लोगों से कहा कि भाई देखो आप लोग जो है नगर निगम कर्मचारी हो, नगर के जो सारे मुख्य काम है आप द्वारा किए जाते हैं, तो विरोध के अन्य तरीके भी होते हैं, आप लोग अपना विरोध और भी तरीके से जारी कर सकते हो। और हमारे नगर आयुक्त मैडम और DM साहब ने जो हम लोगों से फिर आग्रह किया कि आप लोग काम पर लौट जाओ, तो हम लोगों ने हमारे अधिकारियों का सम्मान रखते हुए काम पर लौटने का तो हमने उनसे वादा कर लिया, लेकिन हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कयूम जी छोटी सी एक जानकारी लूंगा, ये जो आप काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, ये कब तक आपका जारी रहेगा, ये क्या मांग पूरी करनी चाहिए, आप क्या मांग आपकी रहेगी? देखो हमारी मांग यही थी कि जब सार्वजनिक तौर पे कर्मचारी के साथ अभद्रता की गई तो सार्वजनिक ही उनसे माफ़ी भी मांगी जाए, तभी आप अपनी मांगों को पूरा समझेंगे। अब जब सार्वजनिक तौर पर उनसे उन्हें बेइज्जती तो कर दी गई और माफ़ी उनसे आप मांग नहीं रहे हो, और ऊपर से मतलब कर्मचारियों में जो माहौल है वो डर का बना हुआ है कि भाई पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो कर्मचारियों ने फिर ये रास्ता निकाला है कि भाई अब हमारे नगर निगम कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष जी हैं और जितने भी हम लोग पदाधिकारी हैं, सब ने बैठ के ये किया है कि अब जो है हम लोग जो है पूर्णतः जो है मेयर महोदय का बहिष्कार करेंगे, उनके द्वारा बताया गया कोई भी कार्य का जो है संपादन नहीं किया जाएगा, उन्हें कोई अपना काम कराना हो जैसे प्रॉपर चैनल है नगर निगम एक्ट है वो डायरेक्ट जाए नगर आयुक्त को कहें, नगर आयुक्त कहेंगी हमसे। यानी कि अब आपके पास सीधा कोई कार्य नहीं आएगा? आएगा भी तो हम लोग कर्मचारियों ने सबने इकट्ठे होकर निर्णय लिया है कि वो कार्य नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से रुड़की नगर निगम के कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वह मेयर गौरव गोयल का खुले तौर पर बहिष्कार करेंगे और काली पट्टी बांधकर वे अपने कार्य करेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा है जब तक गौरव गोयल सार्वजनिक स्थल पर आकर उनसे सभी कर्मचारियों के सामने माफ़ी नहीं मांगते तब तक वे अपनी मांगों पर अड़ंग रहेंगे।